मारा रे, बहुत मारा जी। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं बांग्लादेश के गेंदबाज, जिनकी की आज भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर कुटाई की। जी मैं बातें कर रहा हूँ भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन की। क्या कुछ हुआ चौथे दिन और कैसे ये मैच एक बार फिर से ओपन हो गया है और परिणाम आने की संभावना बढ़ गई है। भारतीय टीम एक तरफ कह रही है कि उसे जीत से कम कुछ भी स्वीकार नहीं, दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम है जो कि चाहती है कि अगर मुकाबला ड्रॉ भी हो जाए तो उसे उतने से भी संतोष हो जाएगा। खैर, चौथे दिन का हाल आपको बताऊं, उससे पहले बता देता हूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में दूसरे और तीसरे दिन का खेल जो है वो बारिश ने धुल दिया। इन दो दिनों में जब खेल बारिश से धुला तो मैच बिल्कुल बेजान हो गया, लेकिन चौथे दिन जब आज खेल शुरू हुआ तो भारत के बोल्ड बैटिंग अप्रोच ने मैच में एक बार फिर से जान डाल दी। क्या कुछ हुआ ये बताऊं, उससे पहले बता दूं कि 3 विकेट पर 108 रन स्कोर था बांग्लादेश का पहले दिन स्टंप्स तक। उसके बाद दूसरे और तीसरे दिन कोई खेल नहीं हुआ और जब चौथे दिन खेल शुरू हुआ तो भारत ने बांग्लादेश का काम तमाम किया 233 रनों के स्कोर पर। यहां पर आपको तारीफ करनी पड़ेगी मोमिनुल हक की, जिन्होंने की एक कंपोज्ड इनिंग खेली और 107 रन बनाए। दूसरी तरफ भारत के गेंदबाजों ने विकेट बांट लिए। सबसे ज्यादा विकेट मिला आपको जसप्रीत बुमराह को, जिन्होंने की 3 विकेट लिए, लेकिन आकाशदीप, सिराज और अश्विन ने 2-2 विकेट बांटे तो रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला। जब बांग्लादेश की पहली पारी समाप्त हुई तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच एक निरस ड्रॉ की तरफ जा रही है, लेकिन यह भ्रांति बहुत जल्द टूट गई जब भारतीय ओपनर्स बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आए। पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 3 चौके जड़ दिए तो जब रोहित शर्मा सामने आए तो उन्होंने पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। मतलब यह था कि भारतीय टीम जो है वो रन बनाकर जल्दी से जल्दी फिर से बांग्लादेश को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करना चाहती थी। 3 ओवर में ही भारतीय टीम ने 50 रन बना लिए। कई लोग जो आज मैच देख रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि ये टेस्ट मैच है या T20, लेकिन जनाब ये टेस्ट मैच ही था। भारत ने तेजी से रन बनाए, पहले 3 ओवर में 50 रन, फिर आपको 10.1 ओवर में 100 रन, फिर 150 उसी रफ्तार में, फिर 200 रन, फिर 250 रन और आखिरकार भारतीय पारी जब 285 थी और उस वक्त जब 9वां विकेट भारत का गिरा तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने पारी समाप्ति की घोषणा कर दी। लेकिन इंडियन बैटर्स की हम बात करें तो रोहित शर्मा ने 11 गेंदों पर 23 रन बनाए, 1 चौका लगाया, छक्का से उन्हें ज़्यादा प्यार है इसलिए 3 छक्के जड़ दिए तो यशस्वी जायसवाल एक बार फिर से सामने आए और 72 रनों की आतिशी पारी खेली। पारी तो आज जबरदस्त विराट कोहली ने भी खेली, हालांकि वो दुर्भाग्यशाली रहे कि अपना अर्धशतक नहीं जमा सके, 47 रनों पर आउट हुए। तो केएल राहुल ने भी 68 रनों का योगदान दिया और ये जितने भी रन हैं उसमें अगर आप शुभमन गिल की पारी को भी जोड़ दें जिन्होंने की 39 रन बनाए तो सब ने विद्युतीय गति से रन बनाए। भारत ने ओवर कितने खेले, 34.4 ओवर और इसमें रन कितने बनाए, 285 रन, मतलब कि 8 से ज्यादा रन प्रति ओवर। आमतौर पर यह T20 में भी देखने को कम मिलता है लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा करके दिखाया। अब जब लीड मिल गई 52 रनों की तो भारत की बिल्कुल साफ रणनीति थी कि प्रेशर बनाओ बांग्लादेश के ऊपर और इसमें कामयाबी दिलाई रविचंद्रन अश्विन ने जब उन्होंने खेल समाप्ति से पूर्व बांग्लादेश के 2 विकेट झटक लिए। जाकिर आउट हो गए और इसके अलावा हसन महमूद जो कि नाइट वॉचमैन बनकर आए थे वो नाइट होने से पहले ही आज पवेलियन में लौट गए। 26 रन के स्कोर पर बांग्लादेश की टीम के 2 विकेट गिर चुके हैं, मतलब पहली पारी के आधार पर अभी भी बांग्लादेश की टीम 26 रन पीछे है। अब 5वें दिन भारतीय टीम चाहेगी कि बांग्लादेश की पारी को जल्द से जल्द निपटाया जाए और फिर जरूरी रन जल्दी से जल्दी बनाकर सीरीज 2-0 से जीत ली जाए। भारतीय टीम ने आज जिस तरह का अप्रोच दिखाया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है।
टेस्ट क्रिकेट की लाइफ को बढ़ाने वाली वाला जो ये अप्रोच है भारतीय टीम का, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।